सिंगरौली के ग्राम पंचायत झखरावल में रोजगार सहायक के खिलाफ झूठी शिकायत करने का मामला सामने आया। रोजगार सहायक के समर्थन में ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि रोजगार सहायक के चाचा ने दबंगों के साथ मिलकर झूठी शिकायत दर्ज कराई। रोजगार सहायक के पिता से उसके चाचा का जमीनी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, इसी वजह से रोजगार सहायक के चाचा ने झूठा मामला दर्ज कराया। तत्कालीन कलेक्टर शशांक मिश्रा की रोजगार सहायक की नियुक्ति वैध पाते हुए जांच कार्रवाई बंद कर दी गई थी। अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। पारिवारिक विवाद के कारण उनकी बार बार शिकायत हो रही है और पेपर बन रहा है, वो पारिवारिक जमीनी विवाद है और हम लोग वही चाहते हैं जो हम रोजगार सहायक वर्तमान में हैं उन्हीं को चाहते हैं, ताकि हम लोग का काम कभी काम लगता है तो हम लोग उनसे निवेदन करते हैं वो काम हम लोग का। ये अपन सौंपा गया जिला सीओ साहब को, एसडीएम साहब को, सीओ साहब को, 400-500 आदमी मिल करके, और ये इनकी शिकायत बार बार किया जाता है जमीनी विवाद से और घरेलू विवाद से शिकायत किया जाता है, और तीन चार लोग हो करके ये सब रोजगार सहायक की पारिवारिक घरेलू विवाद की वजह से बार बार उनकर शिकायत होती है, पेपरबाजी कर देते हैं, पंचायत का काम रुक जाता है, पब्लिक परेशान हो जाती है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं 400-600 पब्लिक, जिसमें कि वो उसमें आदिवासी भी हैं और हरिजन भी हैं, सामान्य भी हैं, पिछड़ा वर्ग भी।